स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स के अंदर हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स किए थे और अब नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में नोट करो कि लेट अस सपोज, लेट अस सपोज ये हाइट h है, हाइट h, देयर इज अ स्प्रिंग एंड मास m कंप्रेस किया हुआ है आपने एंड कंप्रेशन इज x, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, रिलीज किया ये मास इधर आया, स्प्रिंग खुल गया और ये मास v वेलोसिटी से इस तरफ आया सच दैट ये प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिर गया, सच दैट ग्राउंड पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया r. यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ r, v तो आपको निकालना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ r, r फॉर रेंज, r मीन्स रेंज. तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, मतलब अगर मैं आपको v वेलोसिटी दे दूं तो आप इस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो आपको क्या चाहिए, v वेलोसिटी चाहिए जो आप निकालोगे एनर्जी कंजर्वेशन से. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और आंसर निकालो. मैंने इसको कंप्रेस किया हुआ है बाय x, रिलीज कर दिया, अटैच नहीं है ये मास इसके साथ बंधा नहीं हुआ, फ्री टू मूव है, स्प्रिंग खुल गया पूरे का पूरा, नेचुरल लेंथ पे आ गया, मास आगे चलता गया और फिर यहाँ से कोने से प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया. तो आपको बताना है रेंज क्या है. तो पॉइंट नंबर वन, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो और रिलीज करते हो तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर करवा देते हो, स्प्रिंग एनर्जी. और जब आप रिलीज करोगे तो स्प्रिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, लेकिन सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में. लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, जब हम एक मास को स्प्रिंग को दबा के छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक, अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, जब आपने इसको कंप्रेस किया हुआ था सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, और जब ये मास बाहर आ गया और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया तो सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी इनका सम क्या रहेगा, सेम. पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट और इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम, कितनी, mgh एंड mgh, जो अल्टीमेटली आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल. जब स्प्रिंग दबा हुआ है इस टाइम पे कंप्रेस्ड है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो. स्प्रिंग एनर्जी कितनी है बोलो, हाफ kx स्क्वायर. जब आपने रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो गई, जीरो, खुल गया और पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक. तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था. ठीक है यहां तक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्प्रिंग की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक, तो हाफ से हाफ कैंसल, वेलोसिटी की वैल्यू इज के बाय एम इन टू एक्स, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. ठीक है यहां तक, तो वी की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम इन टू एक्स. तो हमें यह मालूम पड़ गया कि कितनी वेलोसिटी से ये मास आगे की तरफ मूव कर रहा है. अब बाकी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हुआ करती है, जीरो. तो आप y एक्सिस में अप्लाई कर सकते हो h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, तो t की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2h बाई जी का अंडर रूट. प्रोजेक्टाइल में ऐसे होता था. और a की इक्वेशन किस में लगती है, x एक्सिस में, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या निकालना है और r, और x एक्सिस में इक्वेशन हम क्या लगाया करते थे प्रोजेक्टाइल में, s इज इक्वल टू वी टी, s की जगह क्या पुट करेंगे, r, v इंटू टाइम की जगह 2h बाई जी, और v की वैल्यू हम निकाल भी चुके हैं कितनी, अंडर रूट ऑफ k बाई एम इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, 2h बाई जी, r की वैल्यू आ गई. दिस इज द आंसर. देखो ये वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का पार्ट है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. बस मेन पार्ट क्या था, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनर्जी कंजर्वेशन. तो कभी भी हम एक स्प्रिंग को दबा के जब छोड़ देते हैं मास के साथ तो उसकी स्प्रिंग एनर्जी सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक.
नेक्स्ट एग्जांपल मुझे सॉल्व करके दिखाओ, इसी का पार्ट है लेकिन थोड़ा चेंज करके दे रहा हूं मैं, देखते हैं आप में से इसे कौन सॉल्व करके दिखाएगा। ठीक, ये पार्ट तो समझ में आ गया ना, स्प्रिंग को जब दबाते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, अभी देखते हैं क्या करोगे। आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल नॉट है, ये कंप्रेस नहीं है, ये एक्सपेंडेड नहीं है। आपने क्या किया, एक मास लिया और आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि इसमें जो कंप्रेशन है आपने जैसे कंप्रेस किया वो कितना किया, एल नॉट बाय टू, दबा दिया, इसे दबा के रखा हुआ है। ठीक, और इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करते ही मास उधर भागेगा सम वेलोसिटी वी। अब लेट अस सपोज ये इसका जैसे मैंने बताया कंप्रेशन है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है जैसे मैंने बताया। अब इसके अंदर किसी इंस्टेंट पर जब ये स्प्रिंग खुल रहा होगा, अभी किसी इंस्टेंट पर पूरा खुला नहीं है, अभी खुल रहा है, और कितना खुला है, एक्स डिस्टेंस खुला है, अभी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो चुकी है, एक्स, और पूरा खुलने में कितनी लेंथ चाहिए, एल नॉट। तो जब इसकी लेंथ एक्स है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, दबा दिया छोड़ दिया। अगर तो मैं वेलोसिटी यहां पूछता, इधर देखो यहां पूछता, तो इस टाइम पूरी स्प्रिंग की एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती, काइनेटिक एनर्जी में। पिछला क्वेश्चन था पूरा खुला नहीं, अभी पूरा नहीं खुला, अभी अभी खुल रहा है, अभी एक्स तक खुला है, तो बताओ एक्स की फॉर्म में वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी खुल रहा
आंसर बताओ क्या इसका, इस तरफ आप हमारे भी आंसर चेक करोगे। आंसर है इसका हाफ के एक्स नॉट हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं एक स्टेप गलत है इसमें। देखो देखो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सपोज ये मास यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर अभी इंस्टेंट पे आया है, तो व्हाट वी विल डू, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। करें पुट वैल्यूज, काइनेटिक एनर्जी बोलो यहाँ पर कितनी है, जीरो, कंप्रेस करके रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी, जीरो, ग्राउंड पे ही चल रहा है सब कुछ। स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी, हाफ के इंटू एल नॉट बाई टू का होल, को डाउट इसमें, कंप्रेशन एल नॉट बाई टू है तो स्प्रिंग एनर्जी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पोटेंशियल बोलो यहां पर जीरो, स्प्रिंग एनर्जी बोलो इसकी कंप्रेशन कितनी है यहां पे, एल नॉट माइनस एक्स, बिल्कुल सही। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ एल नॉट है, अभी कितना खुला है एक्स, कितना खुलना बाकी है एल नॉट माइनस एक्स, तो कंप्रेशन यानी कि एल नॉट माइनस एक्स है तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, हाफ के एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से इसे सॉल्व कर लेना, तो हाफ इंटू हाफ 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 रादर क्या हो गया, कैंसल, तो एम इंटू वी का स्क्वायर इज के इंटू एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से वी निकाल लेना, वी की वैल्यू आएगी एम और के कॉमन आ गया, एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्या आएगा, अंडर रूट। दिस इज द आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का, कैसे लगेगा इसमें, ये तो मैथ्स है, खुद सॉल्व करना है ये। फिर एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ गई, खुद वी के लिए सॉल्व करना, ओपन करो जो मर्जी करो, वी निकाल लें, एम वी स्क्वायर को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। क्वेश्चन है कि सपोज ये एक रॉड है, ये ग्राउंड है, ये रॉड है, ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, एच है, और यहां पर एक रिंग है, देयर इज अ रिंग। तो स्प्रिंग और रिंग अगर ऐसे है तो नेचुरल लेंथ है, और मींस ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, रेस्ट पे है। मैंने इसको पकड़ के यहां पर ले आया मैं टेढ़ा, तो स्प्रिंग के, और ये फिक्स्ड है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, तो ये स्प्रिंग यहां से क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, मानते हो खींचना पड़ा ना आपको, और दूर लेके जाओगे और खींचना पड़ा। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू 37 डिग्री, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के, यहां पर मैंने पकड़ा हुआ है इसे और मैं इसे छोड़ रहा हूं, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा और एक इधर एक्ट करेगा, तो रिंग नीचे तो आने से रही, रॉड के बीच में फंसी हुई है, तो रिंग कहाँ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। तो जैसे ही यहां से चलेगी, अभी तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या रखी हुई है हमने, जीरो, यहां से क्रॉस करती हुई आगे जाएगी, फिर इधर आती हुई इधर जाएगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी। आपको ये बताना है जब ये यहां से मेन पोजिशन को क्रॉस करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सॉल्व करो, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी वी जब ये इसकी मेन पोजीशन को क्रॉस करेगी। देखो
देखो स्प्रिंग एक्सपेंडेड है, ये मानते हो? स्प्रिंग की एक्सपेंशन निकाल लें, स्प्रिंग की जो एक्सपेंशन है वो उसकी नई लेंथ, नई लेंथ सपोज कितनी है h डैश, ये नई लेंथ है, और माइनस पुरानी लेंथ। ये स्टेप सबको समझ में आ रहे हैं? नई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस करोगे तो एक्सपेंशन आ जाएगा। h डैश निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाओ cos ऑफ 37 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई h डैश, तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 इज इक्वल टू एच बाई एच डैश, एच डैश की वैल्यू आएगी 5/4 टाइम्स एच, 4/5 होता है, तो एच डैश आ गया। इस एच डैश को यहां पुट करते हैं तो एक्सपेंशन आएगी 5/4 इंटू एच माइनस एच, यानी कि माइनस करोगे तो क्या आएगा? एच बाई फोर। कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे दूसरे बैच में कि आपने ये क्यों एक्सपेंशन ली, ये एक्सपेंशन होनी चाहिए थी कहते हैं, क्योंकि जितनी ये डिस्प्लेसमेंट होगी स्प्रिंग भी उतना ही खींचेगा। गलत है, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो h डैश माइनस h कुछ h बाई फोर आ रहे हैं। आप इसमें साइन 37 या टेन 37 लगा के देख लो दिस बाय दिस, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो याद रखना स्प्रिंग में ये रिंग कितनी इस तरफ चली गई, जब स्प्रिंग टेढ़ा है तो जितना ये डिस्प्लेस हुआ उसकी एक्सपेंशन नहीं होती, एक्सपेंशन इज न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो ये एक्सपेंशन आ गई। अब जब स्प्रिंग यहाँ से चला और यहाँ पर आया, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है दोनों में से, जब छोड़ दोगे टू एंड फ्रो मोशन होगी, तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, इन तीनों का सम क्या रहेगा? सेम। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर बोलो कितनी होगी? एम जी एच, हाइट एच है, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड इसको भी मान सकती हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? जीरो। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग एनर्जी जीरो, क्योंकि यहां पर आते स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर आ गया तो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो गई? जीरो। ठीक, इन्हें इक्वेट कर लो तो हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस एम जी एच इज एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसल, हाफ के एक्स की जगह पुट करो एच बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, और वेलोसिटी की वैल्यू आएगी के बाई एम का अंडर रूट इंटू एच बाई फोर, अंडर रूट ले लेना वेलोसिटी स्क्वायर का, आपके पास ये आंसर आएगा। एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं होता, स्केलर है, फर्क नहीं पड़ता एनर्जी को। हाँ, एनर्जी लॉस नहीं है तो रहेगी, उतनी रहेगी। हाँ, ये हमेशा चलता रहेगा। ओके, एक और चांस आपको, कुछ हो गया था? कितने लोगों से हो गया था ये क्वेश्चन? दो से हो गया था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, मुझे इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज ये एक स्प्रिंग है और आपने मास के साथ इसको कंप्रेस कर दिया, आपको बताना है कि इसकी मिनिमम कंप्रेशन क्या हो। इसमें आपको बताना है कि कितना कंप्रेस करूं, फ्रिक्शन तो नहीं ली, ये इधर जब रिलीज होगा तो जाते 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 यहां पर जब आएगा एट पॉइंट पी, जब पॉइंट पी पे आएगा तो ये ब्लॉक इस पी पॉइंट को अपने वेट जितनी फोर्स लगा रहा है। देखो ना, जब ये सर्कुलर ट्रैक को कॉन्टैक्ट में रहेगा तो सर्कुलर ट्रैक पे फोर्स लगाता हुआ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि जब ये पी पॉइंट पे आया, इट इज गिवन कि उसने ट्रैक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लगाई? अपने वेट जितनी। आपको कहे सर वेट नहीं लग रहा, वेट तो लग ही रहा है, पर उसने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, क्योंकि जब एक बॉडी को आप एक सरफेस से रब के साथ स्लाइड करते हुए लेके जाओगे तो देयर इज सम कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उसने कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी लगाई? इस तरफ प्रेस किया इसे बाय
एम जी, तो आपको ये बताना है। और ट्रैक का जो रेडियस है इज आर, ट्रैक का रेडियस इज आर, आपको बताना है एक्स कितना हो ताकि ये यहां पर कितनी फोर्स लगाए, एम जी। कुछ नहीं है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ये तो वो फोर्स है। अगर आप एक दीवार के ऊपर या एक वो ग्लोब है, डेथ वेल है, उसमें बाइक चला रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सरफेस को प्रेस करता हुआ जाएगा ना, जोर तो लगाएगा ही सरफेस पे, तो ये वो फोर्स है, फोर्स उसने एम जी लगा दी। इन शॉर्ट यही एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। हिंट यही है कि अगर ये एम जी से प्रेस कर रहा है तो बदले में सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या लोगे, एम जी लोगे। अब शुरू करो। क्वेश्चन पूछ ही लिया, सर कह रहे हैं वेलोसिटी तो बता दो यहाँ पर कितनी है, यही अगर आपको बता दूंगा तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा लोगे दो पॉइंट्स पे। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो। दिख ही रहे एम जी की वैल्यू, उस दीवार पे ना स्प्रिंग लगा हुआ था और मास यहां पहुंच चुका है, स्प्रिंग तो अपने आराम से नेचुरल लेंथ पर पड़ा हुआ है रेस्ट पे, तो उस फोर्स का वो ब्लॉक की उधर की फोर्स से क्या लेना देना है, वो तो रेस्ट पे पड़ा, उसकी फोर्स तो जीरो हो गई जो होनी थी। अब ब्लॉक अपने रास्ते जाता जा रहा है, उसका स्प्रिंग से लेना देना नहीं कोई भी, ठीक। और ऐसा कोई फोर्स कंजर्वेशन तो होता नहीं कि उधर से के एक्स लगाया, इधर मास के पास भी के एक्स फोर्स ही रहेगी हमेशा। एनर्जी कंजर्वेशन तो होता है, फोर्स कंजर्वेशन कुछ नहीं होता। सर्कुलर मोशन है, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। और ब्लॉक को सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन, तो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन किसके इक्वल है, एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जी आर। वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, वहां से वी आ गया। अब आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है कैसे, जब आपने स्प्रिंग को दबाया हुआ था ये पोजीशन, और जब आपका मास यहां से यहां आ गया ये पोजीशन, तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी, इनका सम हमेशा क्या रहेगा, सेम। करें क्विट, बोलो यहां पर पोटेंशियल कितनी है, जीरो, ग्राउंड के ऊपर है मास एम, काइनेटिक कितनी है, जीरो, आपने दबा के रखा हुआ है इसे, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर है। यहां पर आ जाएं, यहां पर बोलो पोटेंशियल कितनी है, एम जी, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, आर, एम जी एच, एम जी एच में एम जी आर, काइनेटिक बोलो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब मास यहां आ गया तो बोलो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, जीरो, स्प्रिंग तो खुल गया, नेचुरल लेंथ पर है तो जीरो, ठीक। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ये स्प्रिंग एंड मास सिस्टम के लिए लगता है, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम के लिए। तो इन्हें इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करेंगे तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू आर, या फिर हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी आर प्लस एम जी आर। तो यहां से हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर एम जी आर प्लस एम जी आर, थ्री बाई टू एम जी आर, टू से टू कैंसल, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आ गई थ्री एम जी आर बाई के का
अंडर रूट। ठीक है यहां तक? लास्ट टाइम वो क्वेश्चन करवा दिया था, एक पुली के साथ एक मास एम है और हो गया था, लास्ट वही था हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल, सीरीज का मतलब है कि आपके पास एक स्प्रिंग है K1, मटेरियल K1, और एक और स्प्रिंग है K2, और मास कितना है इसका M। मैं ये चाहता हूं कि दो स्प्रिंग की बजाय मैं एक स्प्रिंग लगाऊं विथ सेम मास जो कि सेम काम करे जो ये दोनों मिलके करते हैं। जैसे दो रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज में, दो की बजाय एक रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि वही काम करे जो दो रेजिस्टेंसेस करती हैं R1 एंड R2, तो मुझे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दो की बजाय जब मैं एक स्प्रिंग लगाऊंगा तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम समझ में आई? और चाहे आप दो लगा लो सीरीज में, चाहे आप ये अकेला लगा लो, बात एक ही है, काम ये एक ही करेगा। ठीक, मैंने कहा दो स्प्रिंग की बजाय मैं एक स्प्रिंग लगाना चाहता हूं जो सेम काम करे जो दो मिलके करते हैं, इसी को तो बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लगाना। इक्विवेलेंट का मतलब दो की बजाय एक लगाना जो सेम काम कर रहे हैं जो दो लगा रहे हैं या दो कर रहे हैं। करें स्टार्ट। हमने टेंशन के क्वेश्चंस किए थे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर वेट एम जी है और स्प्रिंग का मास तो होता नहीं, स्ट्रिंग का भी मास नहीं होता था, तो टेंशन की वैल्यू क्या रहती थी, सेम। इसमें टेंशन नहीं है, इसमें स्प्रिंग की फोर्स विल रिमेन सेम, और स्प्रिंग की फोर्स क्या होगी, वेट एम जी। तो जितना वेट एम जी होगा पूरे इसके अंदर ये टेंशन आ जाएगी, पूरे स्प्रिंग खिंच जाएंगे। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी और यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी रिस्टोरिंग, उसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्प्रिंग्स का मास नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मैं पूरी एक स्ट्रिंग लेता हूं और मास एम लेता हूं और आपसे ये पूछता हूं इसका वेट एम जी है तो बोलो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या क्या कहोगे, हर पॉइंट पर टेंशन विल रिमेन सेम। तो स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स विल रिमेन सेम क्योंकि फोर्स है तो वेट की वजह से ही ना, और इसका वेट तो है नहीं तो फोर्स तो सेम ही रहेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक्सपेंशन इन दोनों की सेम होगी, क्यों, क्योंकि K1 K2 डिफरेंट है और K1 K2 मटेरियल पे डिपेंड करता है। मान लो एक लोहे का स्प्रिंग है बहुत हार्ड है और एक थोड़ा नॉर्मल स्प्रिंग है, जो हार्ड स्प्रिंग है उसकी एक्सपेंशन कम होगी चाहे फोर्स सेम लगी हो। आप एक लोहे का स्प्रिंग ले लो, एक एल्यूमिनियम का स्प्रिंग ले लो, लोहे का स्प्रिंग और एल्यूमिनियम पे फोर्स सेम अप्लाई करो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेम एक्सपेंड करेंगे। तो फोर्स इनमें सेम है तो इसमें एक्सपेंशन कितनी है x2, इसमें एक्सपेंशन कितनी है x1। ठीक, तो इस स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस k1 इनटू x1। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन नेगेटिव है, पूछो। और इस स्प्रिंग के लिए f इज इक्वल टू माइनस कितना k2 इनटू कितना x2। फर्स्ट के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स निकाल ली, सेकेंड की रिस्टोरिंग फोर्स निकाल ली। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दो स्प्रिंग ने जो काम किया ये भी वही काम करे। इन्होंने क्या किया, ये एक्सपैंड हो गए बाय x1 एंड x2, तो टोटल एक्सपेंशन कितनी है इन दोनों के मिला के x, टोटल एक्सपेंशन इज x। तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये अकेला स्प्रिंग लगे ये भी उतना ही एक्सपैंड हो जितना ये दो मिलके हुआ करते थे, और दो मिलके कितनी एक्सपेंशन देते हैं x1 प्लस x2, ये अकेला ही कितनी दे देगा x1 प्लस x2, और फोर्स रिमेनिंग दी सेम। फोर्स इसलिए सेम क्योंकि मैंने मास को चेंज ही नहीं किया, तो फोर्स इसमें भी क्या लगेगी, एग्जैक्टली सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये स्प्रिंग में मैं चाहता हूं कि वही काम करे जो ये दो मिलके करते हैं, और ये स्प्रिंग क्या करता है, ये स्प्रिंग उतना ही एक्सपेंड करे जितने ये दोनों मिलके करेंगे। इसने कितना एक्सपेंशन किया x1 प्लस x2, तो इसने भी कितना किया x1 प्लस x2। इसमें फोर्स सेम रहेगी क्योंकि मास सेम है नीचे, इसमें भी फोर्स सेम रहेगी बिकॉज मास सेम है इसमें, एफ सब में सेम रहेगा।
तो मुझे एक चीज पता है कि नए स्प्रिंग में x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू है, टोटल एक्सपेंशन x1 प्लस x2 है, x1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस एफ बाई के वन, और x2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं माइनस एफ डिवाइडेड बाय के टू। तो यहां पर पुट करो x1 की जगह माइनस एफ डिवाइडेड बाय के वन माइनस एफ डिवाइडेड बाय के टू, और इसके इसके लिए काम करें, इधर देखो f इज इक्वल टू माइनस के एस इन टू एक्स, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के एस, फोर्स तो सेम है और टोटल एक्सपेंशन x है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस एफ डिवाइडेड बाई के एस। तो यहां पर पुट कर लो माइनस एफ डिवाइडेड बाई के ऑफ एस माइनस 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 एफ 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 कैंसल, और आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया कि आज के बाद अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो आप फॉर्मूला लगाओगे, दो स्प्रिंग की बजाय जब एक स्प्रिंग लगाना होगा वन बाई के एस इज वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, रेजिस्टेंसेज में होता था आर वन प्लस आर टू, सीरीज में उल्टा है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है इसमें सीरीज में, तो ये शॉर्टकट है भाई, याद रखना रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला बन जाता है स्प्रिंग्स में, तो वन बाई के इज वन बाई के वन प्लस वन बाय के टू। एम नहीं चेंज हुआ, एम मसलेस है ना, एफ प्लस एफ कैसे होगा, अगर 10 स्प्रिंग बैलेंस डाल दोगे लॉ ऑफ मोशन में करते थे, नीचे मास एम है तो रीडिंग विल रिमेन सेम, मासलेस है, मासलेस ना होता तो प्रॉब्लम थी, आएगा ही नहीं इतना तो देखा नहीं कभी। ठीक है यहाँ तक फॉर्मूला याद रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में एक स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरा स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, तीसरा स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास एम, तो इन तीनों की जगह अगर एक स्प्रिंग लगाना हो जब सेम काम करे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो क्या होगा, वन बाय के एस इज वन बाय के वन वन बाय के टू वन बाय के थ्री, तीन स्प्रिंग है तो वन बाय के वन बाय के वन बाय के, तो वन बाय के एस इज थ्री बाय के एस इस के बाई थ्री, तो टोट जो स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा के बाई थ्री का लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इसमें क्या लगेगी के बाई थ्री, मतलब न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि सीरीज में गिवन होगा तो कैसे लगेगा, इसमें एक से ज्यादा है रिजल्ट वैलिड है, हाँ हाँ एन नंबर तक वैलिड है, जितने मर्जी स्प्रिंग लगा लो सीरीज में, ऑब्जेक्टिव में काम आता है बेसिकली ये रिजल्ट, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट स्प्रिंग्स इन पैरेलल, नेक्स्ट स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल के अंदर ये एक स्प्रिंग है ये दूसरा स्प्रिंग है, मास एम के वन एंड के टू, इनके बदले में मेरे को एक स्प्रिंग लगाना है जो सेम काम करे जो दो मिलके करते हैं, मतलब ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट करना है मुझे और बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। K1 प्लस K2 तो होगा ही पर कैसे होगा, आप
देखो सबसे पहली चीज़ इसमें मास एम लगा हुआ है और एम मास दोनों के साथ लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें जो एक्सपेंशन है, हम ये जो मास है मैंने बड़ा ज़रूर बनाया है और थोड़ा जो है बॉक्स टाइप बनाया है, बड़ा बनाया है, पर एक्चुअल में हमने अभी शेप्स को स्टडी ही नहीं किया। हम तो पॉइंट मास लेते हैं, तो एक्चुअल में दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट है और स्प्रिंग्स आर वेरी वेरी क्लोज, तो ये टेढ़ा मेढ़ा की प्रॉब्लम नहीं बोलोगे आप कि सर ये टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि एक ज़्यादा एक्सपेंड होगा एक कम होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मटेरियल पर डिपेंड करते हुए एक एक्सपेंशन सेम नहीं होती। लेकिन पैरल कॉम्बिनेशन में हम ये अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि जितना ये एक्सपैंड होगा उतना ही एक्सपैंड होगा, क्योंकि पॉइंट मास कनेक्टेड है जो स्प्रिंग को इकट्ठे नीचे खींच देगा। लेकिन फोर्स की वैल्यू इसमें सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के वन इंटू कितना एक्स, क्योंकि के डिफरेंट है, फोर्स इसमें क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, के वन की वजह से डिफरेंट नहीं हो जाएगी। अब जैसे यहां पर फोर्स जब निकलेगी, फोर्स एफ टू दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टू इंटू एक्स, सेम होगा इसमें, सीरीज में एक्स डिफर करता था और पैरेलल में एक्स सेम रखेंगे, लेकिन फोर्स की वैल्यू सीरीज में सेम होती थी, फोर्स इसमें डिफर करेगी। के डिफरेंट डिफरेंट है, फोर्स का फॉर्मूला के एक्स होता है, एक मिनट, फोर्स का फॉर्मूला के एक्स डिफरेंट है, फोर्स डिफरेंट कैसे होएगी बताओ, मासलेस स्प्रिंग थे ना, तो एमजी वेट तो सब इक्वल टेंशन प्रोड्यूस कर रहा था, इक्वल नहीं करेगा ना, मास एम है, मुझे नहीं पता कि यहां पर और यहां पर जो वेट तो एमजी है, पर मुझे नहीं पता कि यहां कितना जोर पड़ रहा है और यहां कितना जोर पड़ रहा है, मेरे को ये नहीं पता। mg वेट तो टोटल है, पर ये थोड़ी ना है कि इसको भी mg इसको भी mg, हाँ कुल मिला के mg और अंदर कम ज्यादा, अलग अलग होगा तो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, अगर एक्सपेंशन वेरी करेगी तो ये ब्लॉक टेढ़ा हो जाएगा, ब्लॉक टेढ़ा होगा फिर ये पॉइंट मास का क्वेश्चन नहीं बना, फिर ये क्वेश्चन तो क्यूबॉइड का बन गया पूरे का पूरा, और क्यूबॉइड यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेप्स मैटर करेंगी, शेप्स हमें आती नहीं, बात खत्म। सर अगर एक्सपेंशन सेम कर दी एक्स एंड एक्स, बोल तो रहा हूं के डिफरेंट है तो एफ इक्वल टू के एक्स में के डिफरेंट है, एफ भी तो डिफरेंट होगा। अब कहने का मतलब कि जोर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के हिसाब से कम या ज्यादा फोर्स लग रही है, कम या ज्यादा फोर्स लग रही है, सच है एक्सपेंशन दोनों में अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो पैरेलल में मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंशन को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, लेकिन फोर्सेस को डिफर करते हैं, सच दैट यहां पर भी एक्सपेंशन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि उन दोनों ने जो काम किया ये भी सेम करेगा। इसमें इन दोनों ने क्या किया, एक्स एक्सपैंड हुए तो ये भी एक्स एक्सपैंड होगा, सेम काम करेगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू इसके अंदर भी डिफरेंट होगी, और फोर्स की वैल्यू पता है क्या होगी कि एफ वन प्लस एफ टू, इसमें जो नेट फोर्स होगी, क्योंकि कुल मिला के जो टोटल फोर्स है, एफ वन इधर है एफ टू इधर है, दोनों स्प्रिंग पे अलग अलग है, लेकिन यहां पर तो दो की बजाय हमने एक स्प्रिंग लगाना है, और दो की बजाय अगर हम एक स्प्रिंग लगाएंगे तो हमें तो नेट फोर्स लेनी पड़ेगी टोटल, हम आधी आधी थोड़ी ना करेंगे, आधी इधर इसमें तो कर सकते हैं, कुछ इधर कुछ इधर, इसमें तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, एफ वन प्लस एफ टू, सच दैट एफ अगर एफ वन प्लस एफ टू के इक्वल है तो एफ वन की जगह माइनस के वन इंटू एक्स, एफ टू की जगह माइनस के टू इंटू एक्स, और ये जो टोटल फोर्स है एफ इज माइनस के पी इंटू एक्स, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी है, एक्सपेंशन मुझे सेम रखनी है, फोर्स इसमें एफ है, तो यहां पर एफ की जगह पुट करेंगे माइनस के पी इंटू कितना एक्स, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और नेट जो के आएगा वो आएगा के वन प्लस के टू के इक्वल। अच्छा चलो, हमने क्वेश्चन किया था सीरीज में लॉज ऑफ मोशन में कि मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा,
ये वेट बताएंगे आपको, और नीचे वेट कितना है mg, मैं आपको क्वेश्चन पूछा था, और इनका मास नहीं है, बताओ इनमें रीडिंग क्या रहेगी? आपने बोला सेम रहेगी, टेंशन सेम कैलकुलेट करते थे, टेंशन सेम है तो रीडिंग भी सेम है, स्प्रिंग जितना खींचेगा तो रीडिंग भी सेम है, तो अंदर तो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू हर के अंदर सेम है, क्यों? क्योंकि मासलेस है, और जब तक सिस्टम मासलेस चल रहा है फोर्स पूरे सिस्टम में क्या रहेगी? सेम, तो इसलिए सीरीज में फोर्स सेम रखी थी हमने, चाहे के डिफरेंट है, पर के अगर डिफरेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर के जिसका ज़्यादा है एक्स उसका कम होगा, के जिसका कम है एक्स उसका ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स विल रिमेन सेम, वो एक्सपैंड ही उतना होगा ताकि फोर्स को सेम रखे। स्ट्रिंग्स नहीं बोल सकते, स्ट्रिंग्स इलास्टिक नहीं है, स्प्रिंग्स इलास्टिक है, स्ट्रिंग एनर्जी कोई नहीं होती, स्प्रिंग एनर्जी होती है, इलास्टिसिटी भी तो चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं आएगी, और अगर स्ट्रिंग में लेनी है उसके लिए इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक है यंग्स मॉडुलस, उसमें डेल्टा एल आता है, उसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी टाइम नहीं आया करने का, कन्फ्यूजन हो जाएगी। वो कह रहे हैं स्ट्रिंग भी तो एक इलास्टिसिटी, स्ट्रिंग भी तो एक्सपैंड हो सकती है, तो इलास्टिसिटी के अंदर करते हैं उसमें होती है। अगर तुम फोर्स सेम ले रहे हो और तुम कह रहे हो कि एक्सपेंशन भी सेम है, फिर तो ये भी बोलो कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, यार एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तुम कह रहे हो एफ भी चेंज नहीं होने दूंगा, एक्स भी चेंज नहीं होने दूंगा, और फिर तुम कह रहे हो मैं के को चेंज करूंगा, कैसे बात बनेगी? मैथमेटिकली तो बात करो ना, ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सीरीज और पैरेलल का। फिर मुझे इस चीज का आंसर बताओ कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक मास है m, ये एक स्प्रिंग k1, ये एक स्प्रिंग k2, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो कितना है? दो की जगह एक स्प्रिंग लगाना है तो बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है, सीरीज हो नहीं सकता, सीरीज में तब होता है जब स्प्रिंग के इमीडिएटली बाद स्प्रिंग आए, बीच में तो मास आ गया, सीरीज तो नहीं हो सकता। अब ये जरूरी भी नहीं होता, अगर सीरीज नहीं है तो फिर पैरेलल पक्का ही होगा, होगा ये पैरेलल ही वैसे। इसका रीजन ये है कि आप एक काम करो, आप इसको ना हवा में उठाओ, इसको अपने हाथ में पकड़ो, इसको अपने हाथ में पकड़ो, ठीक? तो आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, एम ये लो, हवा में उठाओगे तो ये बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने इसको सीरीज नहीं बोलना, आपने इसको पैरेलल बोलना है, और आएगा ये, ठीक है? यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक पॉइंट है, नेक्स्ट लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट, नेक्स्ट नोट लिखो या पॉइंट लिखो, स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। हालांकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई डेरिवेशन नहीं की, लेकिन ये रूल है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जितनी छोटी लेंथ होगी स्प्रिंग की, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा स्प्रिंग होगा, लेंथ जितनी बड़ी होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही छोटा होगा। ठीक है, रूल याद रहेगा। प्रॉब्लम ऐसी आती है, देखो क्वेश्चन में बताता हूँ, ये रूल है, इसमें मैंने ये रूल है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये याद रखना है। ठीक, इस ये कहाँ से आया ये नहीं मैं बता रहा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रूल, क्योंकि हमने डेरिवेशन तो की नहीं हाउ टू कैलकुलेट के, हम तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं फिजिकल टू के एक से, बट एक्चुअल में लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, और हम इनवर्सली कर, ये आपको याद रखना है। मैं एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, आपने इस स्प्रिंग को दो इक्वल हिस्सों में कट कर दिया, काट दिया, एल बाई टू एंड एल बाई टू, तो बताओ नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 2k एंड 2k, क्योंकि लेंथ अगर हाफ करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हाफ करोगे तो ये डबल होगा, इसको 1/3 करोगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन आएगा स्प्रिंग है कट कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, लेंथ एल है, इसको 3 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3k, 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 इनवर्सली कर दिया प्रोपोर्शनल, 1/3 करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम हो जाएगा। फिर जैसे न्यूमेरिकल आएगा, आप एक स्प्रिंग को 3 इक्वल हिस्सों में काटो, 3k, 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 जो 3 स्प्रिंग्स आए इनको पैरेलल में लगा दो, इनको पैरेलल में लगा दो, 3k, 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 बोलो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, पैरेलल के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट k1 + k2 + k3, तो क्या आएगा, 9k इज द आंसर। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, उसके बाद ही शुरू करोगे। तो आप ये याद रखना कि अगर 1/3 काटा तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, हाफ काटा, हाफ मींस 1/2, 1/2, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर दोगे। जैसे सपोज एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड लेंथ एल, इसको हमने एल बाय थ्री एंड टू एल बाय थ्री में कट कर दिया, अनइक्वल, तो लेंथ 1/3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3k, 3/2k, लेंथ का कोफिशियंट का इन्वर्स कर देना है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो जाएंगे। ठीक, तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएंगी आपसे सॉल्व, जिसके अंदर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कट करते हैं, इनवर्स का रूल लगाते हैं। आपने अगर सपोज इस टाइप की प्रॉब्लम आती है जिसमें ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पुली के साथ अटैच्ड है, ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, और आप यहां पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो एफ और स्प्रिंग कांस्टेंट है के, बनाओ डायग्राम। ठीक, तो इसके अंदर मैं रूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है कोई, ये कि जब आप इसको एफ फोर्स लगाते हो और आप इसको डिस्प्लेस करते हो बाय वाई,
अब ये तो मूव करेगा नहीं, टाइट हो जाएगा, पूरी की पूरा सिस्टम ही डाउन आ जाएगा नीचे स्प्रिंग की वजह से। तो अगर ये वाई नीचे आ रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वाई बाई टू होगी। याद है थ्रस्ट ऑन दी पुली, टेंशन डबल होती है, एक्सलेशन ऊपर हाफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही अगर ये वाई नीचे आ रहा है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वाई बाई टू होगी, हाफ हो जाती है। और यहाँ अगर टेंशन एफ है तो यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी, टू एफ हो जाएगी, टू टी। हाँ हाँ सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, एफ की जगह बस टू एफ हो जाएगा और वाई की जगह इसमें वाई बाई टू, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्प्रिंग की फोर्स इस पोर्शन में कितनी आ गई, टू एफ, और स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, के इंटू वाई बाई टू, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, के बाई फोर इंटू कितना, वाई। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगाना टेंशन वाला, कि अगर यहाँ फोर्स एफ है तो वहाँ टू एफ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट वाई है तो वहाँ पर वाई बाई टू है। स्प्रिंग का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, फोर्स इज इक्वल टू के इन टू वाई, वाई की जगह वाई बाई टू। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। हाँ वो फिक्स है, तभी वो पुली नीचे आएगी ना। सपोज आपके पास ये मास m है, ये स्प्रिंग k1 है, एक और स्प्रिंग k2 है, रेस्ट पे है। आपने क्या किया, आपने इस मास को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कंप्रेस हो गया और ये एक्सपैंड हो गया, और आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मान लो x डिस्प्लेस किया। जब आप इसे रिलीज करोगे तो ये मास मीन पे आएगा, रुकेगा नहीं, एनर्जी लॉस तो है नहीं, आगे चला जाएगा, इसे कंप्रेस करेगा, फिर मीन पे आएगा, इसे कंप्रेस, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट होती जाएगी। आपको मुझे ये बताना है कि अगर मैंने मास को यहाँ ले आया एक्स डिस्प्लेसमेंट और रिलीज कर दिया, तो बताओ जब ये इस मीन पोजीशन को फिर से क्रॉस करेगी वापस आते हुए, तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है मास की वेलोसिटी क्या होगी जब ये मीन को क्रॉस करेगी। प्रॉब्लम समझ में आ गई यहाँ पे, कि आपने m को डिस्प्लेस किया बाय x और छोड़ दिया, तो मीन पे आते ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तुम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये ब्लॉक यहां पे है और जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा, दो पोजीशन में क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये ब्लॉक यहां पे है, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी, और जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी, इट विल रिमेन सेम। ठीक, हम फोर से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, टू एंड फोर मोशन में, ये कौन सा इक्विलिब्रियम में, हमने कौन सा एक्सेलरेशन निकाल लिया, एनर्जी कंजर्वेशन बोल तो रहा हूँ, तुमने फोर्स का क्या करना। यार फोर्स की प्रॉब्लम तो बहुत टिपिकल है, अगले लेक्चर में आने वाली है, चिंता ना कर। अच्छा फोर्स आएगी ना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि फोर्स की प्रॉब्लम बताए क्या है। जैसे जैसे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा ना, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए एनर्जी ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
वो तो फोर्स से भी जाता है, पर एनर्जी से जितना आसानी से होता, स्केलर है ना, फर्क ही नहीं पड़ता, दो पॉइंट लो आंसर आ गया ठीक। तो इसमें ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है, जीरो, काइनेटिक भी क्या होगी जीरो, स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी, हाफ के वन एक्स स्क्वायर, के वन को तो आपने कंप्रेस कर दिया, लेकिन साथ की साथ के टू भी क्या हो गया एक्सपैंड, के वन कंप्रेस हुआ तो के टू एक्सपैंड, तो दोनों की एनर्जी आ गई स्प्रिंग एनर्जी, दो दो एनर्जीज आएंगी सिस्टम की। यहां पर पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और जब मास अपने सेंटर वाली पोजीशन पे आएगा तो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। तो इन्हें इक्वेट कर सकते हो, हाफ के वन एक्स स्क्वायर हाफ के टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो यहां से आप वी निकाल लेना जो कि के वन प्लस के टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय मास का अंडर रूट, दिस इज आंसर।